दोस्तों एक कथा चलती है। भगवान शिव ने एक घास के तिनके से श्री यंत्र का ज्योमेट्री बना के माता पार्वती को यह गुप्त ज्ञान दिया था। उस क्षेत्र में जहाँ पे ये श्री यंत्र उन्होंने ड्रॉ किया था, उस क्षेत्र को आज के तारीख में हम श्रीनगर के नाम से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर, उसके नाम से जानते हैं। वो पूरा जो क्षेत्र है श्री क्षेत्र है, और यहाँ पे एक मुख्य शक्ति पीठ जिसे हम वैष्णो देवी माता के नाम से जानते हैं वह भी है। और जो शिव भगवान ने ये ज्ञान दिया था एक चित्र बनाकर, चित्रा नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, उससे जुड़ा हुआ ये स्थल है। और चित्रा नक्षत्र का जो एनिमल है, हर नक्षत्र का एनिमल होता है आप जानते हैं, तो चित्रा नक्षत्र का एनिमल इज अ टाइगर। और माता जी हम देखते हैं कि सिंह पे सवार है, टाइगर पे सवार है। अब साल में एक पीरियड आता है 10 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक, दिवाली के पास का ये पीरियड होता है जब सूर्य का गोचर चित्रा नक्षत्र में होता है। 13 से 14 दिन का समय होता है जब सूर्य चित्रा नक्षत्र में गोचर करता है। आपको करना ये है, आपको इस पीरियड में, ये 12-15 दिन के पीरियड में एक बार वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। आप देखेंगे जीवन में आप यदि स्टक हैं तो आपका एकदम से यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू, एंड यू विल सी कि आपका वहाँ से कुछ ना कुछ एक व्हील जो है मूव करने लगेगा, कुछ आप स्पेशली कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए। जैसे बताया चित्र, इट मीन्स अ पिक्चर, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव परस्यूट्स। दिस नक्षत्र हैज द कार्मिक रजिस्ट्री ऑफ वीनस, शुक्र, तो कुछ भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। आपको ये दर्शन करने के बाद आपको जीवन में कुछ नया क्रिएटिव इंस्पिरेशन, कुछ नए आइडियाज और नए सफलता के आयाम आपके लिए खुलते जाएंगे। आप ये ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या कोई पूजा पाठ आदि, कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। थैंक्स अ लॉट।